बुलंदशहर में लापता युवक की सकुशल बरामदी का मामला। आईजी प्रवीण कुमार ने बुलंदशहर पुलिस की की प्रशंसा। सूचना को गंभीरता से लेकर पुलिस ने लापता युवक को कुछ ही घंटों में किया बरामद। रविवार दोपहर संगीन परिस्थिति में लापता हुआ था युवक। पुलिस का दावा, पीड़ित की मानसिक स्थिति है कमजोर। बाइक चलाने के दौरान अचानक बेहोश हुआ था युवक। होश आने पर अर्निया में था पीड़ित। देखिए, एक व्यक्ति के गुमशुदा होने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके बारे में पूरे लोगों ने गंभीरता से लिया। इत्तेफाक से मैं भी यहाँ पर आ रहा था, तो मैंने कहा मैं भी जाकर देखता हूँ। इसमें ये अपने आप जो ये बता रहा है कि इस पहले भी मानसिक रूप से इसको कोई प्रॉब्लम रही है, दो बार पहले भी गिर चुका है, जैसे इनके बड़े भाई बता रहे हैं। ये कह रहा है जब हम मोटरसाइकिल से चल के आ रहे थे तो अचानक क्या हुआ, चक्कर आ गया, फिर मुझे होश नहीं आया। तो जब मुझे होश आया तो मैं अरनिया के पास मैं यहाँ पर था, मैंने होश आते ही फ़ोन किया। इसका ऐसा लग रहा है कि कोई परिचित आदमी इसका इलाज कराने के नाम पर जो ये अचानक गिरा है, इसको लेके गए हैं, और जब होश आया है तो उन्होंने सीधे फ़ोन किया है। बाकी चीज़ें जो इस विस्तार से बता रहा है, डिटेल पूछताछ कर लेंगे, लेकिन ये प्रथम दृष्टया ये कोई अपराध की स्थिति कतई नहीं है। ये जो जैसा ये स्वयं बता रहा है कि गिरा और गिरने के पश्चात इसको चक्कर आया या चक्कर आने के बाद गिरा, ये चीज़ें अभी विवेचना का विषय है। और उसके पश्चात ये सकुशल मिला है, क्योंकि एक गुमशुदगी थी, तो बुलंदशहर पुलिस ने इसे बड़ी तत्परता से इसको अन्वेषण किया है और बहुत कम समय में गुमशुदा का पता कराने में ये लोग कामयाब हुए। युवक के साथ पहले भी हो चुके हैं इस तरह के बेहोश होने के हादसे। परिस्थिति में युवक लापता होने की सूचना पर खुद मौके पर पहुंचे थे आईजी प्रवीण कुमार। युवक की बरामदगी के बाद थाना पुलिस ने ली राहत की सांस। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।